क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन संख्या 7, यानी कि 14.1 के क्वेश्चन संख्या 7 जो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ बोला गया है क्या वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है 0.00 से 0.04 और 0.04 से लेकर 0.08, 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से लेकर 0.16 और 0.16 से लेकर 0.20, 0.20 से लेकर 0.24। बरम्बरता यहाँ दिया गया है 4, 9, 9, 2, 4 और 2। यहाँ बोला है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करें, यानी कि हवा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है वह जो है हमें इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन जो है निकाल लेना है। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे जो है हम इसको नोट कर देंगे और प्रश्न को जो है आराम से हल कर देंगे। यानी SO2 डायरेक्ट लिख सकते हैं SO2, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल और यहां डालेंगे क्या हम बारंबारता, जिसे हम F से सूचित करते हैं। यहां लिखेंगे माध्य मान, जिसे हम X से सूचित करते हैं और यहां पे लिखते हैं FI × XI, यानी कि इसको FI हम बोलते XI बोलते हैं, इसको FI बोलते हैं। ये कौन सी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि से जो है हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में जाके आप वीडियो को लाइक करना भूल जाइएगा। जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको हम यहाँ दर्ज करते हैं 0.00 से 0.04। ठीक है, 0.04 से लेके 0.08। ठीक है, जैसे दिया गया वैसे लिख रहे हैं 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से लेके 0.16, 0.16 से लेके 0.20 और 0.20 से लेके 0.24। ये जो मान दिया गया है इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। बरम्बरता जो कुछ दिया गया है कितना, 4, 9, 2, 4, 2। नीचे हम लाइन टान लेंगे जोड़ने और गुणा करने के लिए ऐसे। ठीक है, माध्यमान XI, इस दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 4 में 2 से भाग लगाइएगा, 0.04 से 2 में भाग लगाइएगा तो 0.2 आएगा, 8, 4, 12 में 2 से भाग लगाइएगा 0.06 आएगा, 12, 8 कितना होगा 20 होगा तो 0.10 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेगा 28 होगा तो 0.14, इस दोनों संख्याओं को जोड़िएगा तो 4 × 18 = 22 कर दीजिए, 14, 4 कितना हो जाएगा 18 और 0.22। यहाँ भी ऐसे आराम से कर सकते हैं, 2, 4 का अंतर दिख रहा है तो 4 बढ़ा दीजिए, 6, 10 कर दीजिए, 10 में 4 = 14, 14 में 4 कर दीजिए 18, 18 में 4 कर दीजिए 22, ये नियंत्रण संख्या बढ़ रही है 4 का अंतर से। अब इसको गुणा करना है, 4 × 2 = 8, 9 × 54 = 10, 9 × 14 = 18, 24 = 72, 22 = 22। सिंपल, आराम से कर लिया। अब इस सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो 3.6 आपके पास 4 आएगा, 3.6 आएगा सिग्मा एफ एक्स, इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा सिग्मा एफ आएगा आपके पास 30। अब माध का जो है यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, आगे देखेंगे हम फिर यहाँ पे। चलिए आगे देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 3.06 कितना हो गया यहाँ पे 30, पॉइंट को हटा देंगे अगर तो 300 कितना हो जाएगा यहाँ पे 06 और यहाँ कितना बढ़ा देंगे 3×10 कर देंगे
भाग लगा दीजिएगा टोटल। हाँ, भाग लगा के आइएगा तो आएगा 0.2 अपन कितना जाएगा आपके पास 10, इससे भाग लगाइएगा। इसको भाग लगा दीजिएगा तो 0.1102 आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या जो है 8 पे देखेंगे। आठ क्या बोला है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा उसका माध ज्ञात कीजिए, यानी दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। अब विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 दिया गया है। यहाँ बोला नहीं गया है कि कौन सी विधि का प्रयोग आप करिएगा, तो जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि का प्रयोग कर दीजिए। तो हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि कल्पित विधि का हम क्यों ना प्रयोग कर लें, तो 8 नंबर में हम कौन सी विधि का प्रयोग कर लेते हैं, कल्पित विधि का। आखिरी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पद विचलन विधि से बता दिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे हम आराम से कि दिया गया है दिनों की संख्या, यानी कि हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे क्या, बारंबारता, जिसे हम FI से सूचित कर सकते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या, माध्य मान, यानी XI से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे D बराबर क्या होता है, X माइनस का A, ठीक है, ये तो पता ही होगा। और यहाँ पे आखिरी में होता है F इंटू का D, ठीक है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, और 10 से 14, 14 से 20, और 20 से दिया गया है 28, 28 से 38, और 38 से जो दिया गया है आपके पास 40। ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है। अब बारंबारता कितना दिया गया है, 1, 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। चलिए FI निकालेंगे हम, यानी XI निकालेंगे। भाग लगाइए, 6, 2, 3, 6, 10, 6, 16, 2, 8, 16। देखिए अंतर कितना का हो रहा है, पहले देखिए 8 से 3 का अंतर कितना हो रहा है, 5 का, 8 में 5 जोड़ दिए, 8, 5 कितना हो जाएगा, 12, 12, 5, 17, 17, 5 जोड़िएगा 24, 24, 5 जोड़िएगा 33, 33 से 5 जोड़िएगा तो 39। आप भाग लगा के देख भी सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, आराम से अपना सकते हैं। आप भाग लगा के यहाँ देख लीजिए, इतना ही आएगा। अब जो है हमें यहाँ पे एक्स माइनस एक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एन जानना जरूरी है। तो x के लिए जो है हम क्या देखेंगे, a के लिए x में देखेंगे, a में देखेंगे। अब a में हमें देखना है क्या, n बट्टा का क्या 2। अब n बाई 2 कहाँ से आएगा भाई, तो देखिए बारंबारता वाली संख्या जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना आ गया आपके पास 7/2, 2, 3, 6, 2, 5, 10, यानी कि 3.5 आए, तो यानी समझ लीजिए कि चौथा पद, तो माध्यमान का चौथा पद देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि आपके पास कितना चौथा पद आ रहा है भाई, 17, यानी कि ए आपके पास आ गया 17। अब यहाँ से देखेंगे, 3 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14, 8 में से 17 को घटाएंगे तो आएगा आपके पास 8 में से 7, 8, 16, 17, 8 में से 9, 12 में 17 घटाएंगे तो 12, 5, 17, 17 में 17 घटाएंगे तो 0, 17 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7, 33 से 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16, और यहाँ 17 में से 39 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास 22, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे गुणा करके हम, 14 में 3 से करेंगे तो 14 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 154,
9 में 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, 5 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 0 में 4 से करेंगे तो 0, 7 में 4 से करेंगे 28, 16 में 3 से करेंगे 39, 38 ना होगा 48, 22 में 1 से करेंगे तो 22। अब इस सभी संख्याओं को जोड़िए माइनस वाली, 154, 90, 35, 9, 9 आ 3, 12, 12 5, 17 का 7, 9 आ 3, 12, 12 5, 17 का 7, हाथ में लगा 1, 1 1 2, 279। अब इस संख्याओं को जोड़िए, 28, 48 और 22, 8 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा 20, 2, 4 2 6, 2 8, 8 2 10, 100 हो रहा है ना, 8 16, 8 1 16, 16 17, 19, 20 का 100 हाथ में लगा, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ 9, 7, 1, 1 7 9 आ रहा है, क्या कहीं मिस्टेक है क्या मेरे से, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 9, 10, 11, 12, 13, ओहो, 5 3 कितना होगा 8, 5 4 9, सॉरी 5 4 9, 9 3 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 का 7 हाथ में लगा 1, 1, 1, 2, ठीक तो आ रहा है 279, 279 में 8, 8, 16, 16, 16, 16, 16 आठ का 16, 16, 17, 18, 18 आएगा, 18 का 8 हाथ में लगा 1, और यहाँ होगा 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 96 माइनस करेंगे, तो इसमें से घटेगा तो 19 में से 9 जाएगा तो 19, 6, 7, 8, 9, 3, इसमें 7 से लिया तो 1 यहाँ आएगा, 17, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 83 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या जोड़ने में, चलिए ठीक है 183 आ रहा है, ठीक है अब इस सभी संख्या को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपके पास 40 आएगा। अब हम यह देखेंगे माध्य बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन का हो जाएगा एफ ओ डी, ए कितना है आपके पास, ए जो है आपके पास कितना दिया गया है ए 17 प्लस ए कितना है 183 और ए कितना है 40, अब भाग लगा दीजिए इसको आराम से, भाग लगा सकते हैं यहाँ पे आराम से भाग लगा दीजिएगा, यहाँ पे आराम से भाग लगा दीजिए, 40 में 183 से भाग लगा दीजिए, 40 में 183 से भाग लगाइए, चगा चंग चौ चौ का 16, 4 पर चौ चौ का 16, कैंसिल हुआ 2 बचा 3 बचा तो होगा तो नहीं पॉइंट बैठेगा 0, चौ चौ का 16, 4 बजे चक चौ 432 20 3 0 चका चौंक सोलह चौदह चका चौंक आठ चौंक सौ चार पाँच बीस चार छः चौबीस चार सत्य अट्ठाईस अट्ठाईस दो चका चौंक आठ चौंक बारह सोलह चार पाँच बीस, यानी कि ये कटेगा कितना आएगा आपके पास 4.757 और 17 प्लस 4757 को क्या करिएगा आपको जोड़ देना है, तो इसको टोटल संख्याओं को क्या करना है आपको जोड़ना है, तो इस संख्याओं को जोड़कर जो है आप आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या जो है 9 भी हम देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो आपका रहेगा पग विचलन विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित सारणी नगरों के साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है मात्र साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यहाँ दिया गया है साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90 और नगरों की संख्या दिया गया 3, 10, 11, 8 और 3। चलिए हाँ यहाँ हम देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम निकालेंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से जो है इसको ज्ञात करेंगे और यहां दिया गया है वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया गया है यहां बारंबारता, यहाँ माध्य मान निकाल लीजिए, इसमें भी d बराबर
एक्स माइनस ए। अब यहाँ होता है यू बराबर डी अपॉन का एच, और यहाँ एक चीज़ होता है एफ इंटू का डी। यहाँ नया चीज़ होता है यू अपॉन डी बाई एच, और यहाँ जुड़ता है आपके पास क्या यू इंटू का एफ इंटू का यू। अब जो क्वेश्चन दिया गया है नोट करते हैं, 45 से 55 चुप रहो, 55 से जो है 65, 65 से दिया गया है 75, और 75 से दिया गया है 85, और 85 से दिया गया है 95। ठीक है, अब यहाँ जो देखेंगे हम, यहाँ पे बारंबारता दिया गया है 3, 10, 11, 8 और 3। माध्यमान वैसे ही निकलता है, दोनों को जोड़ेंगे भाग लगाएंगे तो 90, 10, 100 हो जाएगा 50, भाग लगाइए 60, 10 की संख्या बढ़ी 70, 80, और यहाँ पे हम रख लेंगे 90। माध्यमान 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 4 यानी कि लगभग 3 पे संख्या पे आ रही है, 2.5 आ रहा है, तो 3 संख्या जो है ए आपके पास ए निकला, सिंपल में बता रहा हूँ ए निकला। डी में हमें क्या करना है, भाग देना है, तो 70 में 50 में 70 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का यहाँ 10, यहाँ 0, यहाँ 10, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 20, गुना करिए 20 तिहाई कितना हो जाएगा आपके पास 60। अब देखिए यहाँ जो है हमें गुना नहीं करना है, अब यहाँ हमें क्या करना है, ये चीज़ आपके अंदर सवाल आता होगा कि यू बराबर डी बाई एच हमें लिखना है तो कैसे निकालेंगे, या आपके पास एक सवाल आ रहा है कि अंतर जो है कितना का है, 10 का है, तो यहाँ हम कौन सी संख्या जो है रखेंगे ताकि जो है मेरा आंसर यहाँ परफेक्ट आके बन सके। तो हमारा अंतर कितने का था, 10 का अंतर था, कितना का अंतर था, 10 का अंतर था, तो 10 का अंतर जो है कितना है 10, 10 में 20 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 10 दूना 20, 10 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना 1, 0, 10 एकम 10, 10 दूना कितना 20, ये चीज़ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और f इंटू डी कितना होगा, यानी कि f इसको बनेंगे u, और ये बना आपके पास f, सॉरी ये बना u, ये बना f, ये बना f, 3 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 6, 1 में 10 से करेंगे तो माइनस का 10, 0 में करेंगे तो 0, 1 में 8 से करेंगे तो 8, 1 में 2 में 3 से करेंगे तो 6। ये चीज़ हुआ पग विचलन विधि। अब जो है हमें संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ देते हैं इसको, टोटल संख्या को जोड़िएगा एफ एक्स 35 आएगा, इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो माइनस का 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 10 16 हो रहा है, यहाँ पे जोड़िएगा 6, 6, 12, 14 हो रहा है, तो माइनस 2 का अंतर हो रहा है। अब फॉर्मूला जो है माध का वही लगेगा, माध एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा का सिग्मा एफ, गुणे में जो है होता है सिर्फ एच। अब ए आपके पास कितना था तो 70, एफ यू कितना है आपके पास माइनस का 2, एफ एक्स कितना है 35, ऊंचाई कितनी थी अंतर यानी कि 10, बस हो गया आंसर आपका यहीं पे ख़त्म। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, काट देते हैं, काट ले इसको, 10 दूना 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी 70 प्लस 2 दूना कितना कर देंगे माइनस का कर देंगे यहाँ 4, अपॉन में कितना 7। अब इसको काट दीजिए, कटना है तो काटिए, छोड़ना है तो छोड़िए, तो इसमें 4 में 7 से भाग लगा देंगे, 4 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 में 4 से, तो 0.57 आएगा, तो 70 प्लस का 0.57। अब इसको जोड़िएगा, सॉरी यहाँ माइनस है ना, माइनस करिएगा तो 69.43 जो है आपका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से करिएगा अगर पग विचलन विधि, तो यह विधि आप अपना सकते हैं और आराम से जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।